अष्टादश लोकसभार प्रथम सत्र पूर्वरु प्रधानमंत्रीक संबोधन कहिले देशवासी आमर नियत और नीति उपरे लगाइछंती मोहर। 60 वर्ष पर लगातार तृतीय थर कौनसी दल को शासन सुजोग, सांसद को पीएम का आह्वान, लोकसेवा पाई अवसर को कर उपयोग। कांग्रेस शक्ति वृद्धि सत्वे बदलिनि प्रधानमंत्री आभिमुख्य, जरूरी कालीन परिस्थितिर स्मरण कराई कांग्रेस को कले कटाक्ष। भारतीय परंपरा रे 18 अंकर गुरुत्व व्याख्या कले मोदी, कहिले 18 संख्यार मूल अंक न देई थाए पूर्णतार ग्यारंटी। कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है, और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। देश स्वाधीनता पर द्वितीय थर पाई लगातार कौनसी सरकार तृतीय थर सेवा करिवार पाई सुजोग, आउ 60 वर्ष पर ऐतिहासिक सुजोग रही पुनरावृत्ति। जवाहरलाल नेहरू पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भावे होती विरल रेकर्ड अधिकारी। अष्टादश लोकसभा प्रथम अधिवेशन आरंभ पूर्व निज संबोधन में 140 कोटी देशवासी आकांक्षा पूरण करूँ भरसा दे प्रधानमंत्री। एथस मोदी कहते तृतीय कार्यकाल करू 3 गुणा अधिक परिश्रम। देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है, ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है, और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है, मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। प्रधानमंत्री कहते सरकार चलेबा पाई बहुमत, किंतु देश चलेबा पाई सहमति दरकार। देश को एक दायित्वपूर्ण विरोधी पक्ष आवश्यक। आशा करूछु विरोधी गणतंत्र गरिमा बजाय रखिबे, मिलित भावे विकसित भारत लक्ष्य पूरण करने आह्वान देछंती प्रधानमंत्री। जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है, और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। आरंभ हुई छि अष्टादश लोकसभा, तेणु 18 अंकर महत्व बुझाई थिले मोदी। भारतीय परंपरा और शास्त्र रे किपरि 18 अंकर बड़ सात्विक मूल्य रही बुझाई थिले पीएम, आउ कहिछंती 18 रो मूल अंक न एवं न देई थाए पूर्णतार ग्यारंटी। भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित है उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है, कर्म कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है, और 9 पूर्णता की गारंटी देता है, 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। पूर्व 2 लोकसभा तुलना रे चलित लोकसभा रे कांग्रेस अधिक सशक्त होई छी, तेबे कांग्रेस प्रति निज आभिमुख्यरु ओहरी नहांती प्रधानमंत्री।
जरूरीकालीन परिस्थिति प्रसंग उठाई कांग्रेस को देखाई आईना। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। अष्टादश लोकसभा आरंभ नुआ संसद भवन आउ प्रथम थर पर नुआ संसद भवन रे होई सांसद मानकर शपथ ग्रहण समारोह। यह दस दिनिया सत्र 3 जुलाई पर्यंत चलिबो, जोंथिरे रहिछि 8टी कार्य दिवस। जुलाई तृतीय सप्ताह रे बजेट सत्र आरंभ हेबा नै मिलिछि सूचना। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। सीमा तू प्लस 2 परे कोन करिवु? बीएससी नर्सिंग। आउ तू? एमआरटी। तू? बीएससी ऑप्टोमेट्री। तू कोन करिवु? बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। रिया तू? बीएससी इन ईएमटी। तू? बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। आउ तू? बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी, तू कोन पढिबु? मु तो बीपीटी पढिबी। अच्छा मैं कोठी पढिबा? साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढिबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दो। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।